हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डोट टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 7 का मैथमेटिक्स चैप्टर बनाकर देखो 2.3 पेज नंबर 32 का 6 से 10 तक सम्स करने वाला है। इससे पहले मैंने 1 टू 5 तक करवाई, तो आप लोग आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति की मासिक आय 24,750 रुपये है। वे 750 रुपये घर भाड़ा देते हैं तथा बाकी रुपये 3:1 के अनुपात में घर चलाने तथा लड़के लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो वे कितने रुपये घर चलाने में खर्च करते हैं बताओ। तो ये कैसे बनाएंगे, तो देखिए 6 नंबर सम्स कैसे बनाएंगे। लिखेंगे क्या मानसिक आय कितना है, तो हम लोग लिखेंगे मानसिक आय आपका कुल कितना मानसिक आय है। मानसिक आय इक्वल टू 24,750 और घर भाड़ा कितना देते हैं, 750 रुपये ना, तो घर भाड़ा ठीक है इक्वल टू 750। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लिखेंगे घर भाड़ा देने के बाद शेष रुपया क्या बचा, घर भाड़ा दे देंगे और इतना कुल मेरा आय हो रहा है, ठीक है इतना आय हो रहा है और इतना घर भाड़ा खर्च दे रहा है। तो इसको लेस करेंगे ना, 24,750 माइनस 750 तो बचेगा क्या, 24,000 घर भाड़ा देने के बाद बचा। अब क्या लिखेंगे, अनुपात दिया हुआ है ना, घर भाड़ा बाकी रुपये 3:1 के अनुपात में घर चलाते तो लड़के लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे चूँकि घर खर्च एवं लड़के लड़कियों की शिक्षा पर खर्च का अनुपात इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं, ठीक है इक्वल टू 3:1। तो अनुपाती ये कितना होगा, अनुपाती हम लोग जानते हैं ना, इसको प्लस करते हैं। तो लिखेंगे इसलिए घर खर्च का अनुपातिक भाग। देखिए कैसे करेंगे, ये थ्री है ना, ये घर खर्च है और ये आपका शिक्षा पे खर्च का रेशियो दिया हुआ है। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 और ये 3+1 कर दीजिए तो 3/4 आएगा ना, 3/4 ठीक है। और लिखेंगे क्या, इसलिए लड़कियों की शिक्षा पर खर्च का आनुपातिक भाग। लड़के लड़कियों कितना हो जाएगा, देखिए 1 है ना, 1 3+1 कितना हो जाएगा, 1/4 ठीक है 1/4। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए 24,000 रुपये में घर खर्च की धनराशि, क्योंकि देखिए टोटल मेरा इतना घर भाड़ा देने के बाद इतना रुपये ने बचा, अब इसी पे रेशियो निकालेंगे। तो हम मेरे तो क्या पूछा गया, बुक में पूछा गया है कि घर खर्च चलाने में कितना रुपया घर खर्च चलाने में करते हैं, क्योंकि शिक्षा पे नहीं पूछा गया, घर पे पूछा गया, ठीक है। तो 24,000 लिखेंगे, 24,000 टोटल रुपया मेरे पास अभी है। और क्या करेंगे, घर खर्च पर अनुपाती भाग कितना है, 3/4 ना, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 24,000 गुने 3/4। अब काटिए 4 से, 4×6=24, 0,0,0 6,000 और 6×3=18। घर पे कितना खर्च होता है आपका, 18,000। और देखिए 24,000 से आप माइनस कर दीजिए 18,000 तो कितना हो जाएगा, 6,000। तो 6,000 क्या होगा, शिक्षा पे खर्च होगा। तो देखिए यही निकालिए, 3/4 24,000 पे निकलना, 1/4 निकालिएगा तो 6,000 ही आएगा। तो किताब में पूछा गया था कि घर खर्च पर कितना हम लोग करते हैं, घर खर्च पे कितना रुपया खर्च होता है, तो पता चल गया इतना रुपया खर्च होता है।
यही आंसर लिखेंगे हम लोग। सेवन नंबर सम्स के आपका विवेकानंद युवा पुस्तकालय को एक वर्ष में 74,350 रुपये का सरकारी अनुदान मिला, 4,350 रुपये चंदा से मिला एवं पुराने कागज़ पत्रों को बेचकर 1,300 रुपया मिला। यदि सब रुपये नई किताब खरीदने, पुरानी पुस्तकों की जिल्द बदलवाने एवं पुस्तकालय के कर्मचारियों को वेतन देने का अनुपात 15:3:2 में खर्च हुआ तो हिसाब करके देखना होगा कि कितने रुपये की नई किताब खरीदी गई। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, कॉपी में देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुस्तकालय को एक वर्ष में सरकारी अनुदान मिला। ठीक है, पुस्तकालय को एक वर्ष में सरकारी अनुदान मिला कितना, 74,350। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, 74,350 लिखेंगे ना, फिर क्या लिखेंगे, चंदा से मिला। ठीक है, पुस्तकालय को एक वर्ष में चंदा से मिला कितना आपका, 4,350। फिर आपको क्या, फिर मिला पुराने कागज़ पत्रों को बेचकर, पुस्तकालय को एक वर्ष में पुराने ठीक है कागज पत्रों को बेचकर मिला इक्वल टू 1,300। अब देखिए सभी को क्या जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सभी को ये पूरा क्या है, सब आपको पुस्तकालय को ही ना मिला, सब टोटल मिला, इतना सरकारी अनुदान मिला, चंदा से मिला, पुराने कागज़ पत्रों को बेचकर मिला, तो सब पैसा क्या करेंगे हम लोग इकट्ठा कर लेंगे ना, पूरा टोटल देखिए कितना हुआ, 0,0,0,5,5,10 हाथ में आया 1,3,3,3,9 और 1,10 हाथ में आया 1,8,9,10 हाथ में आया 1 और 7,1,8 टोटल कितना हुआ, 80,000 रुपये। ठीक है, 80,000 रुपये पुस्तकालय को मिला एक वर्ष में। फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या बोला गया है, किताब खरीदने, पुरानी कागज़ को जिल बनवाने, पुस्तकालय के कर्मचारियों को वेतन देने का अनुपात, तो लिखेंगे किताब खरीदने ठीक है कॉमा जिल बंधवाने, इतना बड़ा नहीं लिख सकते हैं ठीक है, यही लिखिएगा जिल बंधवाने एवं कर्मचारियों को वेतन का अनुपात, तो कितना है आपका 15:3:2 ना, किताब का है आपका 15, जिल बदवाने का है अनुपात 3 और कर्मचारियों के वेतन का अनुपात कितना है 2, तो ये टोटल रुपया को अनुपात में बांटेंगे, तो ये आपका बोला गया है बुक में क्या दिया हुआ है कि हिसाब करके देखना होगा कि कितने रुपये की नई किताब खरीदी गई, तो नई किताब सिर्फ खरीदने का बात बोला गया है ना, तो हम लोग खरीदने का क्या लिखेंगे, लिखेंगे नई किताब खरीदने की धन राशि का अनुपाती भाग इक्वल टू क्या करेंगे, कितना ही किताब खरीदने की धनराशि का अनुपाती क्यों, तो अनुपात कैसे निकालेंगे, ये किताब का है ना, किताब का है ये फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट में मेरा क्या है किताब खरीदने का बात गया बोला गया है, तो किताब का पहले ही होगा ठीक है, 15 / ये सभी का टोटल कर दीजिए, 15 + 3 + 2 तो कितना हो जाएगा, 15/20 ना 20, इसलिए क्या लिखेंगे, 80,000 रुपये में पुस्तक खरीद पर बोला क्या ना, नई किताब खरीदी गई कितना,
कितने रुपये की नई किताब को, तो 80,000 रुपये में पुस्तक खरीद, ठीक है, पर खर्च इक्वल टू, ये 80,000 रुपया है, 80,000 लिखेंगे। मैं यहाँ लिख सकती थी, ठीक है, तो यहाँ नहीं होगा ना, इसीलिए नीचे कर दिए, 80,000 लिखेंगे। और फिर ये 15 है ना किताब का, 15, और टोटल अनुपाति योग, हम लोग अनुपाति योग को जोड़ते हैं ना, अनुपातिक योग मतलब जितना भी रेशियो दिया था सबको जोड़ते हैं, तो किताब पहले दिया गया था, ठीक है, तो किताब पहले दिया, तो किताब लिखेंगे पहले 15, और सभी का जोड़ने के बाद कितना आया, 20। अब काटिए, 1 0 1 0 कट गया, 2 से काटिए 8,000 को, 4,000 आएगा ना, अब 15 × 60 गुना कर दीजिए, गुना किया जाता ऊपर ऊपर, 15 × 60 और 3 0 3 0, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 60,000 रुपये। किताब पे कितना खर्च हुआ, इतना ही लिखेंगे, 60,000, 80,000 में 60,000 खर्च हुआ किताब खरीदने में। फिर आप देखिए, यदि आपसे पूछा जाता कि जिल बंधवाने का कितना, तो हम लोग कैसे निकालते, 3/20 लिखेंगे, ठीक है, और फिर काट दीजिए, 4 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4,000, और 3 से गुना कर दीजिए तो 12,000, 72,000 हुआ, फिर 2 से गुना कीजिए, 8,000, तो कितना हो जाएगा, 4,000 + 2,000 कितना कर, 8,000 होगा ना, 8,000 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 12, 8, 20 और 60, 80,000 हो गया टोटल कुल, ठीक है, कुल मेरा कितना रुपया था, इकट्ठा 80,000 रुपया था। 80,000 में कितना खर्च हुआ किताब खरीदने में, ये निकालना था, ठीक है, तो ये इसी तरह निकालेंगे। देखिए, 8 नंबर सम्स क्या, आपका किसी एक ट्रेनिंग सेंटर में 1,050 व्यक्ति ट्रेनिंग लेने आए हैं, उनको 3 बड़े हॉलनुमा कमरे में 11:3:3.5 अनुपात में बैठने दिया गया है, तो प्रत्येक हॉलनुमा कमरे में कितने लोग बैठेंगे, तो देखिए ये कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे तीनों हॉलों में बैठे लोगों का अनुपात कितना कितना है आपका, 11:3:3.5, यही ना है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले अनुपाति योग निकाल लेते हैं, ठीक है, बार बार फिर करना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे अनुपाति योग, अनुपाति योग, अनुपाति योग क्या होगा इसका, 11 + 3 + 3.5 है ना, तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको आगे ये मिश्र भिन्न में है ना, तो इसको हम लोग आगे चेंज कर देते हैं, 11 + 3 + ये कितना, 3 × 2 = 6 और 1 = 7, 7/2, अब क्या करेंगे, 2 आ गया नीचे, अब 2 लेंगे एलसीएम, अब मान लीजिए यहाँ 1 है, तो 1 का टेबल में 2 कितना, 2 1 में ही आता है, 2 से मल्टीप्लाई 11 का करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, प्लस अब यहाँ भी मान लीजिए 1 है, तो 1 का टेबल में 2 कितना आता है, 2 1 में डिवाइड करते हैं ना नीचे वाले से, और फिर 2 से मल्टीप्लाई 6 का करेंगे तो कितना, 3 का करेंगे तो 6 आएगा प्लस 7, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 22 + 6 = 28 और 7 कितना, 35/2, ये आया अनुपाति योग। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे पहले कमरे में बैठे लोगों की संख्या का आनुपातिक भाग इक्वल टू, ठीक है, यहाँ देना चाहिए, तो मैं यहाँ दे रही हूँ, पहले कमरे में बैठे लोगों की संख्या का आनुपातिक भाग कितना होगा, कितना होगा, ये पहला है, ठीक है, ये पहले लोगों का है, ये दूसरे कमरे का है, ये पहले कमरे का, ये दूसरे कमरे का, ये तीसरे कमरे का, 3 कमरे में बैठा है ना, 3 बड़े हॉलनुमा कमरा है, ठीक है, तीनों में इतना इतना रेशियो में बैठा है, तो ये पहला कमरा का हुआ, तो 11 लिखेंगे, बट्टा ये 35/2 आया ना, तो 35/2 लिखेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, 11 है और मान लीजिए यहाँ 1 है, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, वह 11 लिखेंगे और 8/2 चला जाएगा ऊपर, और बट्टा 35 नीचे ही रहेगा, तो लिखेंगे क्या, 22/35, पहले लोगों का इतना ही आएगा, ठीक है, 22/35, फिर दूसरे लोगों का क्या लिखेंगे, दूसरे कमरे में बैठे लोगों की संख्या का
अनुपातिक भाग इक्वल टू क्या होगा, दूसरे कमरे में कितना, थ्री ना, थ्री ठीक है, थ्री और कुल कितना भाग है, 35/2 ना, तो 35/2 लिखिए, ये इक्वल टू है, तो ये हम लोग इक्वल टू लिखेंगे, फिर क्या देंगे आपका 3 × 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 35 नीचे ही, 3 × 2 = 6/35 आएगा। अब लिखेंगे तीसरे, देखिए दूसरे कमरे का निकाल लिए, अब तीसरे कमरे का निकालेंगे, लिखेंगे तीसरे कमरे में बैठे लोगों की संख्या का आनुपातिक भाग इक्वल टू क्या लिखेंगे, आपका तीसरे कमरे में बैठे लोगों की संख्या का अनुपातिक भाग क्या होगा, तीसरे कमरे में कितना था आपका, 7/2, तो हम लोग लिखेंगे 7/2 ठीक है, ये इक्वल टू यहाँ देंगे ठीक है, और फिर क्या होगा, टोटल कितना है, 35/2 ना, टोटल आपका 35/2 है, 35/2। अब देखिए ये नीचे भी कर सकते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके बगल में कर दे रही हूँ, 7/2 लिखेंगे, और ये आपका चार संख्या हो गया ना, चार नंबर हो गया, तो ये दो नंबर सीधा लिखेंगे, और ये दो नंबर क्या हो जाएगा नीचे का आपका, ये करेंगे उल्टा करेंगे, मतलब ये नीचे का ऊपर कर देंगे, ऊपर का नीचे कर देंगे, मतलब इस क्या करेंगे, देखिए दो लिखेंगे ऊपर, ऊपर की तरफ लिखेंगे ना, और 35 नीचे की तरफ लिखेंगे, ये आपका ये अंश था, ये हर था, तो हर क्या हो गया, अंश बन गया, और आपका अंश क्या हो गया, हर बन गया ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो गया, चेंज कर देते हैं, तो ये दो दो कट गया, देखिए अब 7 का टेबल में 7 × 7 = 35 होता है, 1/5 आंसर आएगा, तीसरे कम बैठे लोगों की संख्या का अनुपातिक भाग कितना आएगा, 1/5। अब क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे का निकल गया, अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए 1050 में पहले कमरे में बैठे 1050 ही ना, कुल लोग कितना था, 1050, तो 1050 में पहले कमरे में बैठे कितना होगा आपका, लिखेंगे 1050 × पहला कमरे में बैठे लोगों की अनुपातिक भाग कितना निकला था, 22/35 ना, 22/35 लिखेंगे। अब 35 का टेबल में 105 कितना बार में आता है, 3 बार में 105 आता है 35 का टेबल में, और 0 का 0, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 22 का टेबल 30 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 660। अब लिखेंगे 1050 में दूसरे कमरे में बैठे 1050 है × आपका दूसरे कमरे में कितना बैठा हुआ है, 6/35 ना आया था, 6/35 लिखेंगे। अब 35 से काटिए, 30 बार में कटेगा, 180 ठीक है। अब लिखेंगे 1050 में तीसरे कमरे में बैठे 1050 है ना, और आपका कितना आया तीसरे कमरे में, 1/5 आया ना, 1/5 लिखेंगे। अब 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 0 का 0, 210 आएगा। ये तो ये सभी आंसर हुआ ठीक है, 210, 180, 660 इतना लोग बैठेगा ठीक है, पहले कमरे में 660 लोग बैठेंगे, लोग लिख दीजिए, ये सभी आंसर है, ये भी आंसर है आपका, और ये भी आंसर है ठीक है, लोग लिख सकते हैं आप लोग लिखिए और आंसर लिख दीजिए, इसी तरह बनाएंगे ठीक है। समझ के आपका 12,100 रुपये मधु मानस कुंतल इंद्र के बीच 2:3:4:2 अनुपात में बांट दिया गया, तो किसको कितने रुपये मिले बताओ, और देखिए कॉपी में कैसे करेंगे, कुल रुपया कितना है, कुल रुपया आपका 12,100 है ठीक है। आप लिखेंगे मधु मानस कुंतल एवं
इंद्र, ठीक है, मधु, मानस, कुंतल एवं इंद्र के रुपयों का अनुपात इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2:3:4:2, ठीक है। तो मधु के रुपये का क्या निकलेगा, मधु, ठीक है, के रुपये का अनुपाती भाग इक्वल टू, ये 2 है, मधु पहले है ना, मधु पहले है तो मधु का क्या 2 है, ठीक है, 2 लिखेंगे। फिर ये सभी को ऐड कर दीजिए, 2+3+4+2, तो कितना आ जाएगा, 2/5, 4, 9, 2, 11, 2/11, ठीक है। फिर लिखेंगे मानस, मानस के रुपये का अनुपातिक भाग, तो ये मानस है सेकंड में, तो 3/2+3+4+2, तो 3/11, ठीक है। फिर लिखेंगे कुंतल, कुंतल के रुपये का अनुपातिक भाग, मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, डॉट डॉट दे दी, ये कुंतल ये है 4, तो 4 लिखेंगे, 2+3+4+2, तो 4/11। फिर अब है इंद्र, इंद्र का के रुपये का अनुपातिक भाग, तो ये करेंगे 2, इंद्र का 2 है लास्ट में, और ये लिखेंगे 2/11। ये हुआ सभी का अनुपातिक भाग, रुपये का निकल गया। अब लिखेंगे क्या, इसलिए 12,100 रुपये में पॉइंट नहीं होगा, रुपये में मधु, सबसे पहले मधु है ना, मधु को मिला 12,100 लिखेंगे इनटू मधु का अनुपातिक योग कितना है, 2/11 ना, 2/11, 11 से काटिए, 11 बार में 121 आएगा, 0, 0, यहाँ 1100 का गुना करेंगे 2 बार तो कितना आएगा, 2200। फिर लिखेंगे 12,100 रुपये में मानस को मिला कितना, 12,100 गुने मानस को कितना है, 3/11 ना, 3/11 काटिए, 11 बार में 121, 0, 0, 3300, 1100 का गुना 3 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 3300 ना आएगा, 3300 लिखेंगे। अब लिखेंगे 12,100 रुपये में क्या है, कुंतल ना, कुंतल को मिला इक्वल टू 12,100 गुने कुंतल का कितना है, 4/11, तो 4/11 काटिए, 1100 ही आएगा। फिर 4 बार गुना करेंगे कितना आएगा, 4,400। फिर लिखेंगे 12,100 रुपये में इंद्र को मिला कितना आपका, ये हो गया 12,100 गुने आप फिर कितना, 2/11, इंद्र का यही ना है, 2/11 ही है, ये काटिए, 11 बार में 1100 आएगा, 2200। तो ये सभी क्या होगा, मधु को मिला 2200, मानस को मिला 3300, कुंतल को मिला 4400 और इंद्र को मिला 2200, ये क्या है, सभी आंसर है, ठीक है, सभी को ऐड कीजिए, देखिए 12,100 आ जाएगा, यही आंसर है, सभी ये सभी आंसर है, सभी को पूछा गया ना किसको कितना मिला है, सभी को पूछा गया था, तो इसी तरह करेंगे। 10 नंबर सम्स क्या, आपका त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है, एंगल बी ए सी कॉमा एंगल ए बी सी एवं एंगल ए सी बी का अनुपात 3:5:10 है, यदि बी ए सी एंगल बी ए सी का मान 10 डिग्री कम एवं एंगल ए बी सी का मान 10 डिग्री अधिक हो तो तीनों कोणों का अनुपात कितना होगा। देखिए पहले से दिया हुआ अनुपात फिर से बोला गया नया अनुपात निकालने के लिए, ठीक है, तो देखिए आगे पहले निकाल लीजिए एंगल बी ए सी का मान निकाल लीजिए, ए बी सी का मान निकाल लीजिए, सी ए सी बी का मान निकाल लीजिए, तो लिखेंगे हम लोग क्या, 10 नंबर त्रिभुज
ए बी सी के तीनों कोणों का योगफल इक्वल टू 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योगफल इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंगल बी ई सी, ठीक है, कॉमा एंगल ए बी सी एवं एंगल ए सी बी का अनुपात इक्वल टू कितना है आपका 3:5:10, ठीक है, 3:5:10। अब लिखेंगे क्या, एंगल बी ए सी का अनुपातिक भाग, क्या लिखेंगे, ये 3 है ना, पहले बी ए सी है एंगल, तो पहले बी ए सी का ही होगा 3, और सभी को प्लस कीजिए, 3 + 5 + 10 कितना होगा, 3/8 और 18, 10, 8 और 10 कितना होता है, 18 होता है। फिर लिखेंगे एंगल ए बी सी का अनुपातिक भाग इक्वल टू, ये ना है ए बी सी का 5 ना, 5/3 + 5 + 10 5/18। फिर लिखेंगे एंगल ए सी बी का अनुपातिक भाग क्या हो जाएगा, लास्ट में जो 10 है तो वही ना होगा, 10/3 + 5 + 10 तो कितना हो जाएगा, 10/18, ठीक है, सभी निकल गया। अब क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री क्या, इसलिए 180 डिग्री में एंगल बी ए सी का मान, सबसे पहले बी ए सी ना एंगल, तो उसका मान निकालेंगे, तो 180 लिखिएगा इंटू क्या लिखिएगा, 3/18, ये हो गया 3/18 हो गया, तो ये हम लोग काटेंगे 18 से, 10 बार में कटेगा 180, तो इसका मान कितना निकलेगा, 30 निकलेगा, 10 का 3 से गुना करेंगे 30 आएगा ना। फिर लिखेंगे क्या, 180 डिग्री, फिर लिखेंगे ना 180 डिग्री में एंगल ए बी सी का मान इक्वल टू 180 तो लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे क्या, 5/18 ना, 5/18, तो 5/18 10 बार में कटा, 18 कपारा में 180 10 बार में कटेगा, 10 × 5 कितना होगा, 50। फिर लिखेंगे क्या, 180 डिग्री में आपका एंगल ए सी बी का मान इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 180 इंटू कितना, 10/18 ना, 10/18 10 बार में, तो 10 का गुना 10 से करेंगे तो 100 आएगा ना, 100, ठीक है। फिर अब क्या कहा गया था, देखिए कहा गया था कि यदि बी ए सी का मान 10 डिग्री कम एवं ए बी सी का मान 10 डिग्री अधिक हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 डिग्री कम होने पर, ठीक है, 10 डिग्री कम होने पर क्या लिखेंगे, 10 डिग्री कम होने पर बी ए सी का मान, 10 डिग्री कम होने पर एंगल बी ए सी का मान कितना निकला था, 30 निकला था ना, 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री, ये डिग्री लिख दीजिए आप लोग, ठीक है, 30 डिग्री। फिर सब में 180 डिग्री ये डिग्री देना पड़ेगा आपको, ठीक है, 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री लिखा हुआ ना, 30 डिग्री 50 डिग्री और 100 डिग्री निकला, 30 डिग्री से आप 10 डिग्री घटा दीजिए तो कितना आएगा, 20 डिग्री ही आएगा। फिर लिखेंगे 10 डिग्री अधिक होने पर एंगल ए बी सी का मान कितना आया, ए बी सी का मान एंगल 50 डिग्री ना, प्लस 10 डिग्री जोड़ देंगे
तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो नया अनुपात क्या निकालेंगे, तो आप लिखेंगे अब एंगल बी ए सी। ठीक है, एंगल बी ए सी कॉमा ए बी सी कॉमा ए सी बी का नया अनुपात, नया अनुपात बोला गया था ना, तो देखिए सब ये निकला। अब यही नया अनुपात, ये आया 20, बी ए सी का मान कितना आया 20, घटाने पे क्योंकि कम गया ना 10 डिग्री, इसीलिए 20 लिखेंगे, 20 डिग्री। ठीक है, रेशियो दे दीजिए। फिर आपका ये ए बी सी 60 डिग्री, 60 डिग्री हुआ, और इसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ ए सी बी में, आपका एंगल ए सी बी में कोई चेंजिंग नहीं ना हुआ है, तो इसलिए रेशियो 100 डिग्री, 100 डिग्री था तो 100 डिग्री रहेगा। अब काटिए कितना हो जाएगा, काटिए टू कटेबल से काट रहे हैं। ठीक है, फिर अब टेन देखिए, 10 डिग्री आया, 30 डिग्री आया, 50 डिग्री आया, तो अब क्या करेंगे, देखिए 10 कटेबल में आता है ना, तो इक्वल टू 1 बार में, 3 बार में और 5 बार में 50 आता है, यही आंसर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, 1:1, 3:5। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।